हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम कुछ इस तरह का पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल है। इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर जो आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। हमने बैकग्राउंड बना करके रखा हुआ है वो हम ले लेंगे, जो कि कुछ इस तरह का है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से सही के चिन्ह पे क्लिक करेंगे, ये हमारा बैकग्राउंड आ जाएगा। इस न्यू टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसे एडिट कर लेंगे। दो बार टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक एडिट के ऑप्शन पे आ जाएगा। इसे यहाँ से हटा लेंगे और यहाँ पर हमने कुछ लिख करके रखा है वो हम पेस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। हम इसे छोटा कर लेंगे और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। फिर से दोस्तों, हम इस ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम इस तरह से स्क्रॉल करते हुए एवी फंड के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से हम फंड ऐड कर लेंगे, माई फंड में जाएंगे, इसमें हम ये वाला फंड दे देंगे। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, हम स्ट्रोक दे देंगे इसमें ब्लैक कलर का। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से सही के चिन्ह पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ला करके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। फिर से हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से हम लाइन पीएनजी ले लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से है। यहाँ से हम सही के चिन्ह पे क्लिक करेंगे, इसे यहाँ पे ले आएंगे, फिर इस वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ से हम कलर इनेबल करेंगे, इसमें हम ब्लैक कलर डाल देंगे। ओके दोस्तों, कुछ इस तरह से। फिर हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। फिर से हम इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से हमने पीएनजी बना करके रखी हुई है वो हम ले लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से सही के चिन्ह पे क्लिक करेंगे, इस पर इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे, कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से यहाँ पे हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। फिर से हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से हमने एक पीएनजी बना करके रखी है ये वाली, ये ले लेंगे। सही के चिन्ह पे क्लिक करेंगे, इसे छोटा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से यहाँ पे ला करके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से जाएंगे हम इस कलर फिल्टर के ऑप्शन पे, इसे हम इस तरह से बढ़ा देंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से सही के चिन्ह पे क्लिक करेंगे। इसे हम इस वाले ऑप्शन पे, देखिए दोस्तों, इसे हम लॉक कर देंगे दोनों पीएनजी को। फिर से इस पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे, इसे कॉपी कर लेंगे, इसे एडिट कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इससे इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे ले आएंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। यहाँ से हम इस कलर के ऑप्शन पे जाएंगे, इसमें ब्लैक कलर डाल देंगे। सही के चिन्ह पे क्लिक करेंगे, इस स्ट्रोक को बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। फिर से हम इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम गैलरी में आ चुके हैं, ये वाली पीएनजी ले लेंगे हमने जो बना करके रखी हुई है। यहाँ से हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, सही के चिन्ह पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसे बड़ा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ला करके हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे।
इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, रिलेटिव साइज के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से हम साइज इसका कम कर लेंगे, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस हार्ड यहाँ से क्लिक करेंगे, इस हार्डिक शुभकामनाएं के एक लॉक हटा देंगे। यहाँ से फिर क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों, इसे हम यहाँ पे ले आएंगे, कुछ इस तरह से छोटा कर लेंगे और यहाँ पे ले जाके एडजस्ट कर देंगे। फिर से हम इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। दोस्तों हम गैलरी में आ चुके हैं, हम यहाँ से फ़ोटो ले लेंगे अपनी। साइकेशन पे क्लिक करेंगे, इसे यहाँ पे हम ले आएंगे, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से, फिर टू बैक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा बैकग्राउंड में चला जाएगा फ़ोटो। देखिए दोस्तों हमारा पोस्टर बनके तैयार हो चुका है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।